तो जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला इधर कुछ दिनों से विवादित पर विवादित बयान दिए जा रहे हैं। अब तो उन्होंने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने की चुनौती तक दे डाली। फारूक ने इस विवादित बयान पर केंद्र और सूबे की सरकारों ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। वो हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। फारूक अब्दुल्ला खुद को इंडियन कहते हैं, इसलिए क्योंकि वो इंडियन हैं। लेकिन जरा उनके इस बयान को देखिए। फारूक ने केंद्र को एक तरह से ललकारते हुए कहा कि वे पीओके में तिरंगा फहराने की बात कर रहे हैं। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि पहले श्रीनगर के लाल चौक में तो तिरंगा फहरा कर दिखाओ, वे यहां भी ऐसा नहीं कर सकते और बात पाकिस्तान की करते हैं। बयान के बाद फजीहत हुई तो फारूक ने सफाई भी दी, लेकिन सफाई में भी वे अपनी बात पर अड़ रहे। I tell them the facts. They don't like to hear the fact. If you don't want to hear the truth, then live in the in untruth. So what is the truth? When truth is that is not our part, and this is not their part. That is the truth. जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम ने फारूक के इस बयान को देश विरोधी और अलगाववादियों का हौसला बढ़ाने वाला बयान करार दिया है। ये करते हुए सिर्फ वो सेपरेटिस्ट हैं, सेपरेट एलिमेंट है, टेररिस्ट हैं, उनको इनकरेज करें, उनके जो है हाथ मजबूत कर रहे हैं, जो कि उनको देश के हाथ मजबूत करने चाहिए, क्योंकि वो मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो यूनियन मिनिस्टर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब जो है वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। वही पीएमओ ने फारूक के बयान को अहमियत देने से इनकार कर दिया है। सो आई थिंक दिस इज बिकम अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल कल्चर इन कश्मीर वैली विद सम ऑफ द पॉलिटिशियंस व्हेन आउट ऑफ पावर दे स्टार्ट यूजिंग सेमी सेपरेटिस्ट जार्गन, व्हेन इन पावर दे स्वेयर बाय कश्मीर बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। एंड देयरफॉर आई थिंक व्हाट फारूक अब्दुल्ला और द लाइक से डजंट डिजर्व मच कंसीडरेशन। दरअसल फारूक इससे पहले भी पीओके को लेकर जहर बूटे बयान दे चुके हैं। 11 नवंबर को उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इतना कमजोर नहीं है कि भारत उससे पीओके ले ले। साफ है कि फारूक सियासी नफे नुकसान के चक्कर में देश की एकता और अखंडता का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।